तो ये ज्ञान कैसे पाता था? इतना मंडल हवा का कस्तूरी है, ये हीरा तुम्हारे जीवन को हीरा बनाने वाला है, फतेह को कौन बनाने वाला है? तो ये ज्ञान मेरे संसार में, मेरी बुद्धि में, ये ज्ञान बाबा और अंदर के संसार में, दिल में बाबा और बाबा क्या? अगर मेरे दिल में ये है ज्ञान, तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बाबा हर समय मेरे साथ, और फिर जो होने वाला है वो तो बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे अच्छा क्यों होने वाला है? क्योंकि अब मेरा हर कर्म बाबा के श्रीमद में है, ना मनमत है ना परमत है। पहले जब मनमत थी कभी परमत थी, मेरे कर्मों का हिसाब किताब था, जैसा मैंने किया वैसा दुनिया भर मिला, और अभी भी जैसा किया होगा वैसा मिलेगा। किंतु अभी क्या होगा, अगर मैं सही बाबा की शरण में चलूंगा तो क्या फायदा होगा शरीर में चलने से? अगर मैं 100% एक्यूरेट बाबा की शरण में चलूंगा कदम, तो क्या फायदा होगा? मुझे भूलना तो देना ही पड़ेगा, 10 रुपया उधार लिया वापस करना ही पड़ेगा, 2 गाली दिए 2 गाली तो खानी पड़ेगी, 2 बार इंसान तो होगी, किंतु क्या क्या फायदा होगा? प्यार माफ हो जाए, सुना कितना माफ हो जाएगा? 4 करोड़ 19 लाख माफ, 198 गालियां माफ हो जाए, 198 बार इंसल्ट होने वाले को माफ हो जाए। पर अगर मैंने 100% किया तो, अगर 100% बाबा की श्रीमत पे हर कदम बाबा की श्रीमत पे चला तो, अगर 50% चला 50% नहीं चला तो क्या होगा? क्या होगा? 2 करोड़ 10 लाख बाकी रह जाएगा, 50% किया तो 2 करोड़ 10 लाख रह जाएगा, नहीं तो 2 करोड़ 10 लाख माफ हो जाएगा, 2 करोड़ 10 लाख रह जाएगा, और 75% चला तो क्या होगा? तो भी 1 करोड़ 5 लाख रह जाएगा, नहीं देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। तो अब हमारे हाथ में है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बताओ। 50% फॉलो करना है बाबा की श्रीमत को, 75% करना है, 80% करना है, 90% करना है, 100% करना है, बोलो कितना करना है? पक्का आज से 100% या आधा आधा आधा? ये दिल में सत्य को, तो दिल में जब सत्य को रख लेंगे, इसको मैं ABCD कह देता हूँ, ABCD, A for आत्मा, B for बाबा, C for कनेक्शन माना सम्मान, और D for राम। तो सारा दिन इस बाबा की मुरली, इसलिए मैं मुरली बाबा के हमेशा जेब में रखता हूँ, कि बाबा की जो मुरली है ना, आज की जैसे मुरली है, रोज की मुरली जेब में रखता हूँ। क्यों? जैसे मुझे टाइम लगे, एक्चुअली बाबा की मुरली नहीं, बाबा का लव लेटर है, आत्मा सजनी है ना, आत्मा क्या है? सजनी, और परमात्मा क्या है? साजन। तो साजन कैसे कहते, परमात्मा कहता है, और हम कभी कहते हैं कि आत्मा कहता है, आत्मा क्या क्या बोलते हैं? आत्मा कहती है, कभी ऐसा करते कि आत्मा कहता है, परमात्मा कहता है और आत्मा सुनती है, आत्मा कहती है। तो परमात्मा साजन और पत्नी की क्या है? आत्मा उसकी सजनी है। तो ये हमारा लव लेटर ना बाबा, तो लव लेटर क्या रखते हैं, क्या रखते हैं बताओ? दिल के पास। और कितना लव लेटर पढ़ते कब है, कब पढ़ते बताओ? सबके सामने पढ़ते हैं क्या? जैसे देखते हैं आसपास कोई नहीं है तो निकालते लव लेटर, निकालते हैं एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, फिर छुपा लेते हैं, फिर थोड़ी देर में निकालते हैं, फिर कोई आ गया तो निकालते हैं। सारा दिन बुद्धि का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन,